दो दो फोन से क्यों कर रहे हो फिर? उसको मना कर दीजिए अभी शाम के लिए। क्या बात है, मतलब वर्ल्ड मिल्क डे है और अभी दूध वाला आ गया दूध लेके। जब जरूरत होगी तब ऊपर कर देना, नीचे जाके। चलिए शेफ ओम, दिस अभिषेक है, वी आर लाइव ऑन फेसबुक, आप शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन ऑन दिस 1st ऑफ जून, वर्ल्ड मिल्क डे। दिस इज योर शेफ विमल धर फ्रॉम रॉयल राजस्थान शेफ सोसाइटी, थैंकिंग अमूल, थैंकिंग ऑल माय रिस्पेक्टेड शेफ्स, दोज हु आर वाचिंग अस टुडे। आज हम एक बहुत ही बेहतर दिन पे अमूल का लाइव कर रहे हैं, रॉयल राजस्थान के साथ मिलके एक मिल्क प्रोडक्ट हम बना रहे हैं विच इज कलाकंद। सो रियली वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अमूल फॉर ऑल दीज इयर्स, द काइंड ऑफ एफर्ट्स दे हैव टेकन टू पुट दैट ब्रांड अमूल इन द हार्ट ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एंड टुक इट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। सो माई बेस्ट विशेज एंड कंग्रेचुलेशंस। साथ ही साथ आपको हमको भी कंग्रेचुलेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम रॉयल राजस्थान के शेफ्स हैं, राजस्थान के शेफ्स हैं। भले ही मैं कश्मीरी पंडित हूँ, राजस्थान में ही हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज हमारा कारोबार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और आज आज हम सब मिलके अमूल पे, रॉयल राजस्थान के पेज पे, अमूल के पेज पे अपनी अपनी कलाकंद की रेसिपीज करेंगे, जो कि मिल्क से बनने वाला है। मिल्क जो कि एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एक इंग्रेडिएंट है ऑन दिस अर्थ। इट्स अ सोल सोल प्रोडक्ट जो कि हम सब बिल्कुल इसको रिलिश करते हैं। बिल्कुल तो आज मेरे साथ यहाँ पे 22 शेफ्स हैं, बिल्कुल और फ्यू आर ज्वाइंड अस एंड फ्यू आर ज्वाइनिंग, एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है आप सब आइए इस कुक टुगेदर में हमारे साथ, अमेजिंग अमूल की मिल्क प्रोडक्ट से कलाकंद की रेसिपी अलग अलग स्टाइल में बनाए। कोई शायद इसे मीठा बनाएगा, कोई नमकीन बनाएगा, शेफ्स हैं, करामात तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ आज नया निकल के आएगा मेरे किचन से, आपके किचन से, आपके किचन तक। तो मेरे साथ यहाँ पे एक बहुत ही सीनियर शेफ परविंदर सिंह बाली हैं, जो कि कश्मीर से हैं लेकिन है एक सिख, और कहते हैं ना जो सिख होता है वो सीख देता है। तो आज हम लेते हैं सीख हमारे शेफ परविंदर सिंह बाली से। ओवर टू यू शेफ बाली, आप हमें बताइए कि कलाकंद क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, एक्चुअल में कलाकंद की रेसिपी क्या थी। हम सब मिलके फिर उस रेसिपी को फॉलो करेंगे और अपने अपने ट्विस्ट लेके उस कलाकंद को एक अमेजिंग एक लुक देंगे, एक अमेजिंग लुक एंड फील देंगे। ओवर टू यू शेफ बाली। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर शेफ परविंदर बाली साइनिंग इन फ्रॉम दिल्ली। बिल्कुल और हम आज कलाकंद बनाने जा रहे हैं, तो छोटी सी स्टोरी होगी बेसिकली 3 या 4 मिनट की, बट हम चाहते हैं सिंस हम लाइव हैं तो हम टाइम ना वेस्ट करें। और जब तक मैं स्टोरी सुनाता हूँ, लेट्स पुट द मिल्क टू बॉइल। यहाँ मैं ले रहा हूँ अमूल गोल्ड। वाई अमूल गोल्ड? बिकॉज अमूल गोल्ड इज ऑलमोस्ट 4.5% फैट, और ये जो डेजर्ट है ये एक्चुअली फुल फैट मिल्क से ही बनता है। तो अगर आप इस दूध को मतलब कोई नॉर्मल दूध लेंगे तो आपका कलाकंद जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द फैट कंटेंट। तो कलाकंद जो है ना, बेसिकली इट्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम इट्स वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में क्यों, जरा मैं आपको, ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पार्टीशन के टाइम एक फेमस स्वीट मेकर थे जिनका नाम था बाबू ठाकुर दास। और बाबू ठाकुर अच्छा दास जो पार्टीशन के टाइम जब यहाँ पे अलवर में आए, तो उन्होंने बेसिकली एक डेजर्ट बनाया दूध से, बिकॉज देयर वाज प्लेंटी ऑफ मिल्क इन राजस्थान। इवन टुडे द वर्ल्ड 11% प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैपेंस फ्रॉम राजस्थान, राइट? सो विच इज रियली अ ग्रेट थिंग। तो उन्होंने जो बेसिकली एक डेजर्ट बनाया जो दूध को उबाल के और थोड़ा सा कर्डल करके उसको पकाते रहे, इन अ सेंस दैट इट बिकेम ऑलमोस्ट कैरमलाइज ब्लैकिश इन कलर। सो आई थिंक द ओरिजिन ऑफ द नेम, आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू, बट कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब जो वर्ड इटसेल्फ है
इट मींस काली खांड, मतलब जब चीनी को आप थोड़ा कैरमलाइज करके जला के वो जो भूरा रंग आता था वो काली खांड, काला खांड, तो उससे वर्ड बनते बनते कहीं से ये कलाकंद बन गया। बट अलवर का जो कलाकंद है इट्स वेरी पॉपुलर बिकॉज बाबू ठाकुर दास एंड सन्स दे स्टिल हैव अ शॉप रनिंग इन अलवर। सो वहां का कलाकंद जो है वो ऑलमोस्ट एक मिल्क केक की तरह है। सो ऑफन लोगों को ना कलाकंद और मिल्क केक में भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो यस द ऑरिजिन ऑफ कलाकंद इज दैट मिल्क केक विच वॉज कैरमलाइज्ड इन कलर एंड दैट इज द नेम काला खांड। खांड ऑफ कोर्स वी ऑल नो रेफर्स टू शुगर। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि पार्टीशन के बाद लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान स्टार्टेड कमिंग इन एंड एक्चुअल फेम ऑफ रियल व्हाइट कलाकंद केम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड झुमरी तलैया। तो हमने झुमरी तलैया बचपन में बहुत जगह से सुना होगा और काफी मजाक में भी यूज करते थे जब किसी को बोलते थे कि तुम झुमरी तलैया से आए हुए हो। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज आई जस्ट सॉ व्हिच इज कॉल्ड लापता लेडीज। इट्स अ शॉर्ट मूवी ऑन नेटफ्लिक्स आई थिंक। और उसमें आप देखते हैं वो जो लेडी थी झारखंड से वो कलाकंद बनाती है स्टेशन पे, यू नो। सो आई थिंक दैट झुमरी तलैया विच इज वन ऑफ द स्मॉल विलेजेस इन झारखंड बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर दैट वाइट काइंड ऑफ अ कलाकंद। एंड उसके बाद एंड दैट वाइट कलाकंद एक्चुअली केम फ्रॉम द भाटी ब्रदर्स हु अगेन केम फ्रॉम पाकिस्तान एंड सेटल्ड इन झुमरी तलैया। झुमरी तलैया एक टाइम में बहुत फेमस टाउन हुआ करता था बिकॉज वहां से एक माइका प्रोड्यूस होता था जो डिफेंस शिप्स वगैरह में काफी यूज होता था। लेकिन जब से यू नो द सिंथेटिक मटेरियल्स हैव स्टार्टेड कमिंग इन सो माइका की प्रोडक्शन चली गई और झुमरी तलैया जो है वो इतना फेम में नहीं रह गया। बट हाउएवर कलाकंद इज अगेन फ्रॉम झुमरी तलैया विच इज वेरी फेमस। मैं आपको छोटी सी साइंस बताऊंगा, आपको एक छोटी सी 2 मिनट की साइंस बताऊंगा कलाकंद में। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज फॉलो कर रहे होंगे बट इसका ओवरऑल जो चीज होती है वो होता है दूध फाड़ना। और दूध फाड़ने की कला कि आपका जो कलाकंद है मतलब जो छेना निकले वो बहुत सॉफ्ट हो। सो दूध आप वेरियस सिट्रिक एसिड हो गया, लाइम जूस हो गया, विनेगर हो गया, एलम हो गया, आप किसी भी चीज से दूध को फाड़ सकते हैं। और इमिडिएटली दूध को स्ट्रेन करके आपने ठंडे पानी से वॉश करना है ताकि उसका एसिड निकल जाए और छेना आपका सॉफ्ट रहे। उसके बाद सेकेंड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू मैश द छेना नाइसली इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। उसके बाद में आपने फिर दूसरा दूध लेना है और उसको रिड्यूस करना है जब तक वो रबड़ी ना बन जाए। और तब आप चीनी डालेंगे। यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन एडिंग शुगर बिकॉज जैसे आप चीनी एक साथ डाल देंगे तो वो एकदम पानी पानी हो जाता है, फिर और टाइम लेगा उसको थिक होने में। तो आप शुगर थोड़ी थोड़ी देर बाद डालिएगा एंड देन यू एड दिस छेना एंड यू कीप कुकिंग इट अंटिल द डिजायर्ड कंसिस्टेंसी कम्स। फ्लेवरिंग इज ग्रीन कार्डमम पाउडर एंड स्लिवर्स ऑफ पिस्ताशियो एज अ गार्निश। दिस इज वेरी क्लासिकल कलाकंद। सो जो थ्योरी मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि हमने एक दूध फाड़ा तो छेना निकला, दूसरे दूध को रिड्यूस किया तो वो रबड़ी बनी। अब इसी चीज को जो रबड़ी होती है अगर आप रबड़ी और शुगर को मिक्सी में ब्लेंड करेंगे तो आपको एक्चुअली कंडेंस्ड मिल्क या मिल्क मेड मिल जाएगा। तो आप शॉर्ट एंड वे में क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप पनीर भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं इंस्टेंट कलाकंद कि आपने पनीर को ग्रेट किया और उसको रिड्यूस मतलब कंडेंस्ड मिल्क में उसको थोड़ा सा पकाया और सेट कर दिया। सो बेसिक थ्योरी इज दैट। सो माई मिल्क इज बॉइलिंग, लाइक आई सेड आई हैव यूज 4.5% अमूल मिल्क एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज हाफ अ लीटर ऑफ मिल्क टू रिड्यूस इन टू रबड़ी लेटर बाई एडिंग द अमूल्य मिल्क पाउडर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है जो मिल्क को थोड़ा और फैट कॉन्टेंट देता है और थोड़ा सा थिक करता है। सो हैप्पी कुकिंग एवरीबडी एंड विश यू ऑल हैप्पी मिल्क डे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच शेफ। Excellent. Thank you for briefing us so nicely about the amazing tricks and the facts of Kalakand. May I request Chef Gunjan to pitch in here? Chef Gunjan जो हैं वो पुरानी दिल्ली से हैं, उन्होंने काफी रिसर्च करी है दिल्ली के खाने के ऊपर और उनकी मिठाइयाँ और यू नो मारवाड़ी खाना में वो स्पेशलिस्ट हैं। सो गुंजन may I recommend to throw some your views on Kalakand? Thank you, Bali. Thank you for giving me the lead. Achha, just to start with, since I'm a part of this Rajasthan Royal Chefs Association, let me tell you, my lineage is from Alwar. My mother is from Alwar. And so I feel very proud of the fact that, yes, Kalakand and milk cake was very popular in Alwar. But the family came and settled in Delhi in 1901.
So since then we have been in Delhi. So that's why it's one of the oldest families, the Banya community families of Delhi. I have taken a full fat cream milk and not the packet, not the pasteurized milk. I've taken the packet. And let me show you. I've taken this packet because in Delhi, the story is that they make Kalakand from the buffalo's milk, not even from cow's milk. Why? Because buffalo milk has higher fat content and the color is whiter. And they want a white Kalakand. So naturally, if the milk, the base ingredient is white, you achieve a little more closer color than the yellow color. Well, the story in Delhi is that पुराने टाइम में चांदनी चौक में हलवाई लोग दूध कढ़ाई में उबालते थे और शाम को ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली वुड गो देयर एंड हैव अ कुल्हड़ ऑफ मिल्क. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग मिल्क एट होम दे वुड गो आउट टू हैव मिल्क एंड दिस मिल्क वॉज बॉइल्ड इन लोहे की कढ़ाई एंड दैट इज एग्जैक्टली वॉट आई एम यूजिंग. आई एम ऑल्सो यूजिंग लोहे की कढ़ाई to get that exact flavor and to tell you the story about what was Kalakand in Delhi. So when the Halwais were not able to sell the entire milk that they had boiled, they didn't know how to preserve it. That milk couldn't be wasted. There were times जब बहुत लोग आ जाते थे तो सारा दूध खत्म हो जाता था. And there were times जब उनका दूध बच जाता था and they couldn't afford to throw that. So they just thought कि why don't we do something ताकि ये दूध हमारा कल भी काम आ जाए. They started reducing the milk and this was an accident कि उनके वहां पे फिटकरी सॉरी टाटरी पड़ी थी. थोड़ी सी टाटरी वो दूध में चली गई. दिस इज हाउ वॉट आई वॉज टोल्ड इन जामा मस्जिद. दिस इज हाउ कालाकंद डेवलप. अब दे द वर्कर हु वॉज ऑन द भट्टी गॉट स्केयर्ड दैट द मालिक माइट गेट स्कोल्ड मी एंड टेल मी कि मैंने 20 किलो दूध बर्बाद कर दिया. उसने उसको भूनना शुरू करा और जब वो भूनना शुरू करा तो वो छेना बन गया और छेना बनने के बाद वो भूनता चला गया टू रिड्यूस इट. तो एक्चुअली जो पुरानी दिल्ली में कलाकंद मिलता है दैट इज सिर्फ दूध फिटकरी और चीनी और वो थोड़ा सा रंग का डालते हैं टू गिव इट अ लिटिल ब्राइटर कलर. तो मैं आज उसी रेसिपी से बनाऊंगी जो कि पुरानी दिल्ली में आज भी ऐसे ही बनता है. सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि मिल्क की क्वालिटी क्या है. तो यू हैव टू सी दैट द मिल्क इज फ्रेश फुल फैट एंड इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ स्मेल. क्योंकि जब दूध पकेगा और उसको आप प्रोड्यूस करोगे तो स्मेल गेट्स अ लिटिल मोर प्रोमिनेंट एंड दैट इज वाई देर इज अ लॉट ऑफ यू नो वी एड अ लॉट ऑफ इलायची केसर बादाम पिस्ता जस्ट टू गिव अ लिटिल क्रंची टेक्सचर टू द थिंग. आई हैव एडेड अ लिटिल ट्विस्ट एंड बीइंग अ शेफ आई वुड लाइक टू डू समथिंग मोर क्रिएटिव. तो आई एम गोइंग टू ऐड मैंगोस एंड बनानास और यू कैन ऐड एनी सीजनल फ्रूट बिकॉज कलाकंद तो 12 महीने बनता है. फ्रूट यू कैन बिल्कुल ऐड ऑरेंजेस इन विंटर्स. बिल्कुल सो दिस इज अ लिटिल ट्विस्ट एंड और आई फॉर यू. देखिए जो बाजार में कलाकंद मिलेगा वो आपको थोड़ा पतला मिलेगा जो कि दूध जो है ना उसका यही सेटल हुआ हुआ है. एंड इफ यू वांट टू मेक इट ड्रायर देन दिस इज व्हाट हाउ यू अचीव. हम जो बनाएंगे दैट विल मेक वी मेक अ लिटिल ड्रायर फॉर्म क्योंकि जब आप सेट करेंगे उसको तो वो और सूख जाएगा. बट आइडियली कलाकंद इज मेड विच इज लिटिल सॉफ्टर एंड द मिल्क इज रनिंग ऑल अराउंड. तो मैंने आपको ये दो तीन तरह के बना के दिखाए हैं एंड वी विल शेयर इट. बट कलाकंद टुडे इज सच अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेडिंग एंड एनी एनी गिव अवे स्वीट्स फॉर आफ्टर वेडिंग और प्री वेडिंग दैट एवरीबडी इंजॉयज बिकॉज इसमें सबसे कम इंग्रेडिएंट यूज है एंड द फ्रेशेस्ट मिठाई. बिकॉज बाकी मिठाई आप बना के रख सकते हैं ये मिठाई यू नीड टू कंज्यूम देयर एंड देन. So this is what I wanted to share with you. You have to keep boiling the milk on very slow fire, and जब वो थोड़ा पक जाएगा, then I'll add the little bit of tartary and that's it. We are done. Add a little sugar and the Kalakand is made. So that's the story for बिल्कुल my Kalakand.
Thank you. So thanks a lot, Chef Gunjan. I think by now all the chefs have started boiling. सबने अपने अपने दूध को उबालने के लिए रख दिया है. आपकी स्टोरीज सबकी मैंने सुनी. मैं एक बार बाकी सबकी भी स्टोरीज सुनता हूँ. शेफ आशीष भसीन भी हमारे साथ यहाँ पे हैं. कैन वी हैव शेफ आशीष भसीन ऑन द स्क्रीन एंड वी वुड लाइक टॉक टू हिम. देन शेफ सौरभ इज ऑल्सो देयर. देन शेफ देवेंद्र इज ऑल्सो देयर. तो एक बार हम इंडिविजुअली सबके पास चलते हैं. कौन क्या कर रहा है. हाई शेफ भसीन, हाउ आर यू डूइंग. I'm good, thank you. Am I Excellent. visible? So, Chef Basin is the key member of Royal Rajasthan Chef Society, and he is one of the mentors jinhone Royal Rajasthan Chef Society ki neev rakhi hai. So, hats off to Chef Ashish for mentoring all of us and allowing us to be a part of all of you, me, Chef Ashish Basin, Chef Akshara Jodha, who is not here today. But he's watching us from somewhere. And Chef Saurabh Sharma, our dearly secretary of Royal Rajasthan Chef Society. And all the executive members who have been really kind and supporting this noble, beautiful life. So, Chef, kya ban raha hai aapke kitchen mein aaj? So, yaar, like Chef Gunjan also mentioned, ki agar hum chef hai to kuch to alag karenge. So, what I thought was, Kalakand ki Kalakand exactly hai kya? So, Kalakand is basically, if you see, it's chhena, it's a reduced milk, it's rabdi altogether. So, uske flavor profile ko jab main pakda, to it's somewhere, agar main international cuisine se bolu, to it's something like ricotta. So, I thought ricotta ke saath kya flavors jate hain? Banana, a little citrusy, a little fruity, a maple. So what I did was, I have banana bread. So I'm making like a open sandwich where I will use the banana bread. I'll pan fry in Amul butter to get a crispy edge. And then I'm making Kalakand. So to fasten it, I will use Amul dairy whitener. So isko thick karke jaldi cooking karega. Then I will flavor it with maple and prunes. So maple syrup will give a nice taste to my Kalakand and the sweetness, so that unique flavor. Aur isko pure ko ek build up karke, I will serve it with a caramel sauce. So hopefully, you know what? And what I was doing, chef, I'll tell you. Main aapko batata. Chaliye, main jab tak mere thoda dal ke thoda gaadha kar deta hu isko. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब आप देखो, मेरा भी इधर जो है ना, मिल्क जो है ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गया है. और जो कि रेसिपीज, प्लीज कंटिन्यू शेयर. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्यूटिफुल प्लेट. ग्रेट. सो मैं बात करना चाहूंगा शेफ देवेंद्र कुमार यादव से, जो कि उदयपुर से ही हैं एंड ही रन्स हिज ओन रेस्टोरेंट. शेफ देवेंद्र, हाउ आर यू डूइंग. आप क्या बना रहे हो. सर मैं, हेलो हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवेंद्र. मैं बेसिकली उदयपुर से हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता. आज हम लोग, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, शेफ परमिंदर सिंह बाली एंड शेफ विमल सर एंड शेफ सौरभ एंड शेफ वासिन सर, कि इन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ. आई एम वेरी ग्लैड फॉर दिस टूडे. और जो आज मैं बना रहा हूँ, बेसिकली रस मलाई, अंजीर, कलाकंद बर्गर बना रहा हूँ. तो अभी तक हमने बेसिकली दूध को थोड़ा सा कंडेंस कर लिया है. और हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पनीर को फाड़ चुके हैं. अब हम इसको थोड़ा सा पानी स्क्वीज आउट करेंगे और इसको थोड़ा सा ग्रेट करेंगे. उसके बाद हम इसके अंदर एड ऑन कर देंगे. और इसके बाद हम लोग नेचुरल शुगर वी आर यूजिंग इन टू दैट, दैट इज फ्रॉम अंजीर एंड फ्रॉम हनी. वी आर नॉट यूजिंग एनी शुगर. तो ये हमारा आज का फंडा है. और हम लोग इसको गार्निश और प्लेटिंग विद रसमलाई करेंगे. चलिए, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. मैं आप सबको बताना चाहूंगा एक बार, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट शेफ, मेरी रेसिपी भी बहुत थोड़ी सी डिफरेंट है. हलवाई स्टाइल ही है, बिकॉज आई एम इनटू केटरिंग एंड इवेंट्स आल्सो. और मैंने काफी हलवाइयों के साथ काम किया. 20 साल का एक्सपीरियंस होटल्स का, और उसके बाद 12 साल इधर हलवाइयों के बीच में कढ़ाइयों के ऊपर चलते चलते मैंने कुछ नई चीजें देखी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा. तो आप
पनीर भी यूज कर सकते हो, आप फीका मावा यूज कर सकते हो, और आप काठरी का इस्तेमाल कर सकते हो। सारी चीजें बहुत बढ़िया है। तो मैंने जो एक नया तरीका, जो रेगुलरली हलवाई जनरली यूज करते हैं, मैं उस तरीके से आज बना के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नींबू का जो पानी है ना, उसके अंदर पानी मिक्स किया, नींबू के जूस में पानी मिक्स किया है, और धीरे धीरे करके मैं अपने जो मेरा जो थिकन मिल्क है उसको मैं फाड़ रहा हूँ, सो दैट मुझे ज्यादा इसमें पानी नहीं आए, और आई विल नॉट बी मेकिंग ए सेपरेट छेना, एंड आई विल नॉट बी मेकिंग ए सेपरेट रबड़ी टू मेक दिस कलाकंद। मेरी जो कलाकंद जो मैं बनाऊंगा वो इसी के अंदर, मैं कहते हैं ना कलाकंद का दाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो दाना मैं इसी में ही निकाल के, तो दैट्स अ ट्रिक, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। मैं एक साथ इसको नहीं फाड़ रहा हूँ, अब आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो मेरा दूध है ये फट रहा है, और मैं इसमें धीरे धीरे आई एम एडिंग माई नींबू का पानी। विमल एग्जैक्टली सेम थिंग आई एम ऑल्सो डूइंग. इट्स बीन सेड कि आपको ज्यादा एक साथ एसिड डालो तो एक चीड़ा हो जाता है. सो अगेन इसको डाइल्यूट एब्सोल्युटली करके स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा डालो और जैसे ही दाना पड़ जाए दाना छोड़ दो, बंद कर दो बस उसके बाद में. शेफ एब्सोल्युटली आई एम बिल्कुल शेफ आई एम प्लेइंग समथिंग डिफरेंट थोड़ा सा। आई हैव टेकन फुल क्रीम, बट मैं मैंगो के पल्प से उसको फाड़ रही हूँ। सो अभिलाषा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभिलाषा इज अ वेरी एक्सेलेंट होम मेकर एंड शी हैज अ सेटअप फॉर मारवाड़ी खाना एंड शी इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन दिल्ली। रिसेंटली आपने लीला के साथ में भी अपना प्रेजेंटेशन दिया, आई एम श्योर दैट वाज अ ग्रेट हिट। सो यस शेफ, बहुत अच्छा नाइस, रहा, थैंक यू गुड सो मच, टू थैंक यू। हैव यू ऑन रॉयल राजस्थान शेफ सोसाइटी। आई एम श्योर टुगेदर वी विल डू सम एक्सेलेंट स्टफ। मैं अब देखना चाहूंगा हु इज नेक्स्ट आई वुड लाइक टू स्पीक टू। वन सेकेंड, आई थिंक शेफ शेफ पुष्पेंद्र बाला, शेफ हिमांशु मलिक, शेफ स्वप्निल, हम कैसे कर रहे हैं, हाउ आर वी डूइंग? हाय, गुड आफ्टरनून शेफ्स. मैं एक्सेलेंट मेकिंग भाई। टू फेवरी मैंगो पिज्जा. सो उसके लिए मैंने कलाकंद पहले प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी. साथ ही साथ वील बी एडिंग फ्रेश मैंगो सालसा. वी आर यूजिंग अल्फोंसो फॉर इट एंड इट्स एक्सेलेंट अ कोल्ड पिज्जा. नो नो बिग पिज्जा, सो इट्स वेरी इजी टू मेक एंड ओनली 5 स्टेप्स टू यूज. सो नाइस, सो नाइस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सो ऑल द वेरी बेस्ट शेफ हिमांशु। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू एंड सी व्हाट्स कुकिंग इन योर किचन। लाइक आई सेड, कलाकंद जो है इसको रिड्यूस करते रहना आपने, और ये बिल्कुल आपका दानेदार कलाकंद बन के रेडी हो जाएगा। मैंने इसकी बेस के लिए आई हैव यूज अ ट्विस्ट ऑफ टुकड़ा, और ये लेमन ग्रास है जिसको मैं अपने कलाकंद के साथ इन्फ्यूज करूंगा, एंड लेटर ऑन आई रिमूव दिस। आप चाहें तो इसको दूध को उबालते समय भी डाल सकते हैं, सो दैट द फ्लेवर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर इन द कलाकंद। सो विमल इफ यू सी है मैंने क्या किया, दाना पड़ गया है पर मेरा दूध पूरी तरह अलग नहीं हुआ है. सो दैट वाज माय ट्रिक ऑफ कलाकंद. एक्सेलेंट एक्सेलेंट। मैंने क्या अभी थोड़ा सा मिल्क और ऐड किया ताकि इन्फ्यूजन अच्छा हो, जो मेरी रेसिपी के अंदर लेमन ग्रास का है, और सुबह मैंने एक लॉट बनाया था एंड विच आई ऑफर्ड टू लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि माखन मिश्री खाने वाले जो श्री कृष्ण महाराज हैं उनको ये सारी चीजें बहुत पसंद है। सो इन आर रेसिडेंस आर होम वी डू इट जनरली लाइक दिस ओनली, जो भी हम बनाते हैं पहले हम ऑफर करते हैं एंड देन वी कंज्यूम इट। आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस, पीपल कैन फॉलो इफ दे लाइक टू। Absolutely.
So the trick in this कलाकंद, what I am doing is that you have milk को थोड़ा इतना गाढ़ा कर लीजिए कि जब आप फिटकरी या टाटरी जो भी डालेंगे तो वो हल्का दाना दे और दूध उसी में पक जाए. दैट इज द मेन थिंग बिहाइंड गेटिंग अ गुड कलाकंद एंड अ क्रीमियर कलाकंद. ओके, नाउ इज द टाइम आई एम एडिंग द मिल्क पाउडर, जो मैं हल्का सा इसमें मिल्क पाउडर अमूल का जो डाल रहा हूँ, ताकि ये जो हल्का सा जो हमको ड्राइनेस चाहिए, देखिए कितना सुंदर तरीके से इसमें वो ड्राइनेस भी आ गई है, एंड थोड़ी सी चमक के लिए मैं इसमें थोड़ा सा अमूल का घी डालूंगा टू गिव इट अ ग्लेज। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलाकंद मेरा तैयार है। मैंने इसमें इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, बिकॉज मैंने इसमें लेमन ग्रास का फ्लेवर दिया है, एंड ये देखिए मेरा जो लेमन ग्रास है दैट इज ऑल्सो नाइस एंड ब्यूटिफुल। ये मैं निकाल के रख लेता हूँ इसको। So now I'm adding a little bit of fit curry. I keep adding ये it. देखिए सी माय कलाकंद इज रेडी। आप सबका कलाकंद रेडी हो गया क्या? इफ आई मे सी एवरीवन्स पैन, शेफ पुष्पेंद्र बाला, शेफ गुप्ता अजय साहब, रेडी है, 2 मिनट में हो रेडी? जी जाएगा दिखा ना। दो, जी दिखा दो, जी फन टाइम है जी, फन टाइम अमूल के ऊपर। ये तो मजेदार, जो आज हमारी जो रेसिपी हो रही है ना, सुंदर शेफ, सुंदर रेसिपी। हाँ जी हेलो शेफ हाँ जी हाँ जी, बताइए। सर, जनेश राजौरिया सर। सर हाय मेरा शेफ जिनेश। कलाकंद, और सर ये एक्चुअली में मेरे यहाँ पे वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार हैंग हो रहा है वो। कोई बात नहीं शेफ, कोई बात नहीं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आपने एफर्ट किया, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस सर, वी कैन दैट्स तो फाइन, सर मैं दैट्स फाइन, आपको दैट्स क्या फाइन, एक्चुअली में फाइन। जो मैंने प्रिपेयर किया वो दिखा नहीं पा रहा था। कोई बात नहीं शेफ, आप बाद में क्लिक करके फोटो भेज देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, ग्रेट मैंने सर जो बनाया है वो सर मोरिंगा कलाकंद बनाया है, जी। जिसमें मैंने सर अमूल मिल्क काम में लिया है अपना, ओके और ओके अमूल घी काम में ग्रेट, लिया है इसमें। सो नाइस। शेफ मैं एक बार जेटू सिंह के प्लेट में मैं देख पा रहा हूँ गुलाबी रंग का कलाकंद बन रहा है। एक बार जूम करेंगे शेफ जेटू सिंह के ऊपर। अब कैसे चालू हुए, बंद हुए ना। सर माय ब्यूटीफुल कलाकंद, एक्सेलेंट शेफ जेटू। आप तो लेक पैलेस पीछे आपके दिख रहा है होटल के, लग रहा है आप कहीं टॉप पे कुकिंग कर रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। से हाय टू एवरीवन शेफ जेटू। जी दैट्स ओके, आई थिंक आपको अपना अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करिए शेफ। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, ऑल राइट। कैन आई हैव अदर शेफ्स ऑल्सो ऑन द स्क्रीन प्लीज? वी हैव अ वेरी बोल्ड स्टूडेंट फ्रॉम मणिपाल। थैंक्स टू शेफ सौरभ फॉर मोटिवेटिंग देम टू ज्वाइन। All right, so हो गया we have ऑलमोस्ट रेडी हो all गया right, excellent. है। और Hi, who is that? हेलो सर, वेलकम हाँ जी हेरिटेज शेफ चिकागो। भवन, आपको स्क्रीन पे देखना चाहेंगे शेफ हाँ भवन, क्या बात है मेरा कलाकंद हमारे चीता घर के चीता। मैं वेलकम हेरिटेज हेलो हमारे चीता घर चिटागढ़ के से बावर। चीता। हाँ जॉय बात से मेरा आज कलाकंद है जो स्पेशल है। एक्चुअली इंस्पायर जोधपुर से हूँ, तो मारवाड़ी होने के साथ से मीठे का तो बचपन से ही रहा है। तो अभी हम बना रहे हैं आज कलाकंद की कचौरी विथ सेफ्रॉन रबड़ी के साथ। अच्छा, बहुत और सुंदर बहुत सुंदर। ये कलाकंद मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और अभी हम कटोरी के अंदर
बना रखा है मैदे का डो, जिसके अंदर हम ये कलाकंद अच्छा करेंगे विद ड्राई फ्रूट के साथ, और फिर इसे अच्छा सा क्रंची होने तक इसको फ्राई करके, और फिर हम इसके साथ रबड़ी के साथ सर्व करेंगे। तो ये दानेदार हमारा कलाकंद अभी एकदम तैयार है सब करने के लिए, और हमने डो तैयार कर रखा है इसके लिए, कचौरी के लिए, और डो हमने पहले से अच्छा तैयार करके रखा है, और इसके साथ ही हमने इस कचौरी अभी स्टफ करेंगे। ये कलाकंद ऑलमोस्ट हमारा पूरा रेडी हो गया, जिसमें हमने टेफ्लॉन, ड्राई फ्रूट और थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। तो जिंजर के साथ में ड्राई फ्रूट और स्वीट ऑलरेडी इसमें डाल रखा है, और रबड़ी में हमने अमूल का मिठाई मेड लिया है, और रबड़ी भी ओके हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, और अभी हम इसके अंदर स्टफ करेंगे कचौड़ी के अंदर कचौड़ी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने शेफ, मेरा कलाकंद तो बन चुका है जो आप देख सकते हैं, और मैं अब इसके लिए एक बिस्किट एक टुकड़ा बना रहा हूँ। बेसिकली आई एम डूइंग अ टुकड़ा, हमारे जो राजस्थान का खुबा रोटी होती है ना, तो मैंने आज एक खुबा रोटी को नया ट्विस्ट दिया है, लाइक ए बिस्किट खुबा रोटी, और इसमें मैंने मिल्क मेड यूज किया है, और इसके साथ मैं ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करके थोड़ा जो आटा है वो सिंपल आटा नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैंने चने का आटा मिक्स किया है, और मैं इससे खुआ रोटी बनाने वाला हूँ और अपने कलाकंद को इसके ऊपर प्लेस करने वाला हूँ। सो आई एम श्योर आप भी अपने अपने किचन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग कर ही रहे होंगे। तो आइए चलते हैं शेफ अखा उपाध्याय की तरफ, जो मणिपाल यूनिवर्सिटी से है। हाउ यू डूइंग अखा? हाय शेफ, आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल। कहाँ पहुंची आपकी कलाकंद आज? आप कौन सा फ्लेवर बना रहे हैं कलाकंद में? शेफ, एज यू सेड, वी कैन मेक कलाकंद विद वेरियस वेरिएशंस, लाइक वी कैन डू इट विद सिट्रिक एसिड, एलम एंड एवरीथिंग। सो टुडे आई हैव ट्राइड टू मेक इट विद पनीर, एंड माय फ्लेवर इज पान। सो टू इंट्रोड्यूस द फ्लेवर, आई हैव यूज्ड पान लीव्स ओके एज ग्रेट वेल एज द पान फ्लेवर, द सिरप। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। सो आर वी यस डन विद द कलाकंद? यस शेफ, ओनली द मिल्क पाउडर एंड द अदर फ्लेवरिंग नीड्स टू बी एडेड, अदरवाइज इट्स डन। ओके ओके। सो इन 10 मिनट्स वी विल स्टार्ट द प्लेटिंग। सो आई थिंक ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस दैट यू टुक दिस स्टेप। आपने पहले कभी लाइव सेशन किया? नो शेफ, नेवर। सो आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली ज्वाइन राजस्थान शेफ सोसाइटी वंस वी आर डन विद दिस लाइव, एंड यू विल मोटिवेट अदर्स ऑल्सो टू बी अ पार्ट ऑफ रॉयल राजस्थान शेफ्स। आप भले ही आप इलाहाबाद में है, शायद लखनऊ में है, तो आई एम इन आगरा शेफ। देखिए आगरा से लाइव हो रहा है, एंड पूरे हिंदुस्तान से हमारे पास अलग अलग सिटीज से शेफ्स, स्टूडेंट्स, होम कुक्स सभी लोग जुड़े हुए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे। एक्सेलेंट। सो हमारे साथ अब जुड़ेंगे शेफ सो पारुल। हाउ यू डूइंग? आर यू देयर पारुल हेलो अग्रवाल शेफ, फ्रॉम हेलो देहरादून? शेफ, यस शेफ, क्या गुड टू सी यू, वेरी गुड टू सी यू। कैसा चल रहा है आपका बढ़िया कलाकंद? चल रहा है, ऑलमोस्ट बन चुका है। मैंगो कलाकंद बना रही हूँ मैं। एक्सेलेंट। मैंने पहले अमूल दूध का, अमूल गोल्ड का पनीर फाड़ा है नींबू से, और उसके बाद अच्छा मैंगो पल्प में शुगर डाल के उसको कुक करके, और उसमें पनीर डाल के कलाकंद बनाया है, और ओके वेरी इसमें नाइस वेरी केसर और नाइस। इलायची का, हाँ जी, केसर इलायची डाल के कैन वी हैव शुगर। पारुल ऑन द स्क्रीन प्लीज? यस शेफ, श्योर, थैंक ओह हाय एक्सेलेंट वेरी गुड नाइस किचन यू हैव ग्रेट। यू, थैंक चलिए यू शेफ। वेरी वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक्स फॉर टेकिंग द शेफ मैं इनिशिएटिव बताना टू लेट चाहूंगी, यू ऑल नो। मेरे नाना जी हलवाई थे, और क्या बात है शायद क्या ये बात सारी चीज वहीं से आई है कुकिंग की। तो मैं अब घर से ही मिठाई का और बेकरी का काम करती हूँ, है। चलो मेरा वेट अपना मेरा क्लाउड क्लास किचन है। तो पारुल जी आप मुझे पास तो कर दो, मेरा जो कलाकंद बना है हलवाई स्टाइल से है या नहीं है देख के बताना जरा।
श्योर, आपकी तरह ही मैंने भी बनाया है शेफ, आपसे ही तो सीखा है, आप लोगों से ही सबसे। क्या बात है। एंड जस्ट टू लेट एवरीवन नो दैट पारुल इज अ फर्स्ट होम मेकर एंड शी हैज जॉइंड रॉयल राजस्थान शेफ सोसाइटी। तो आई वुड यू नो वेरी लाउड एंड क्लियर आई वुड लाइक टू मेंशन एंड इनवाइट ऑल द होम कुक्स द होम मेकर्स रादर टू कम एंड जॉइन द सोसाइटी ऑफ रॉयल राजस्थान। बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ सारे शेफ्स नहीं है, हमारे यहाँ पे हमारे सोसाइटी के अंदर शेफ्स तो है ही है, स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे यहाँ पे वेंडर्स भी हैं, चाहे वो किचन इक्विपमेंट के वेंडर्स हों, चाहे वो प्रोडक्ट जो ग्रोसरी के हैं उनके वेंडर्स हों, सो कमोडिटी के हों, सो जो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फूड दे आर पार्ट ऑफ रॉयल राजस्थान। एंड हम कोशिश यही करते हैं कि चीजें सस्टेनेबल रहें, सब एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पर रहें, एक दूसरे से सीखें, आगे बढ़ें, चलते रहें। एंड जो काम अमूल करता है वो भी यही काम करता है, सबको साथ लेके चलता है, हम भी वही काम करते हैं, सबके साथ में, सबका साथ, सबका विकास जो है, हम इसी चीज पे आगे बढ़ते हैं। सो आइए अब देखते हैं शेफ शेफ कुलदीप मेहर क्या कर रहे हैं और शेफ पुष्पेंद्र सिंह राठौर क्या कर रहे हैं। शेफ पुष्पेंद्र शेफ पुष्पेंद्र सिंह राठौर आई थिंक ही हेलो। इज बिजी। हाँ जी शेफ, हाय कुलदीप, हाउ आर यू डूइंग, कोटा से राम राम आपको, क्या राम राम चल सर, रहा है राम शेफ? राम, हैप्पी मिल्क डे। हो रहा है हैप्पी मिल्क डे। आपकी रेसिपी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैंने सुना, क्या बताना चाहेंगे अपनी इंटरेस्टिंग सर, रेसिपी आपका ही के बारे में? सपोर्ट है सर इसमें पूरा पूरा। अरे वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बना रहे हो शेफ आप बताइए। शेफ, मैंने एक कलाकंद को एक चॉकलेटी फ्लेवर लेके उसको बोल्स से रिलेटेड करके उसके ऊपर जो लेयरिंग चढ़ाई है वो चॉकलेट की चढ़ाई है, और नीचे जो स्टफिंग रहेगी उसमें वो कलाकंद की फिलिंग जी रहेगी। तो वो उसी के अच्छा मैंने लड्डू जैसे बाउल बना के और उसको प्रेजेंट अच्छा कर रहा हूँ मैं। बाकी का मैंने कलाकंद ऑलरेडी रेडी हो चुका है, उसमें मैंने मिल्क मेड यूज नाइस करके, और ये जो मैं अब इसका जो जस्ट मिनट बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही चॉकलेट बढ़िया। चॉकलेट मैंने मेल्ट कर ली, अब लास्ट प्रोसेस है सर शेफ इसकी। जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कलाकंद बनाने में? जी सर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नया इनोवेशन करने में कैसा मजा आया कलाकंद शानदार के साथ? शानदार शानदार शब्द, शानदार शानदार। जी मजा आ रहा है ना, फन तो है। रॉयल जी 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 बहुत शानदार मजा आ रहा सर। राजस्थान, रॉयल राजस्थान के ग्रुप पे अमूल के साथ, इट्स ऑल ब्यूटीफुल जी फन। एंड आप अपने सर्कल में सबको बताइए दैट सर, वी ये शुड ऑल बहुत बहुत टुगेदर। बहुत ही मेरे लिए बहुत ही गोल्डन चांस है कि मेरे को अमूल ने लाइव आने का मौका मिला इस बार। जी, और आप जैसे बड़े शेफ लोगों के बीच में जूम मीटिंग में काम करने का मौका मिल रहा है, तो ये सर मेरे लिए बहुत 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 ही अच्छा है। थैंक्स टू अमूल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि देखिए हम जब तक अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, हम चीजों जी को, शेफ नई जी, चीजें नहीं ट्राई कर पाते। आज जी अगर शेफ ये वर्ल्ड मिल्क डे नहीं होता, अमूल अगर ये बहुत सारी चीजें नहीं कर रहा होता लोगों को मोटिवेट, कि भाई कोविड में भी उन्होंने सबको मोटिवेट किया कि भाई फ्रॉम देयर होम किचन दे शुड कम आउट एंड डू देयर कुकिंग, पॉलिश देयर कुकिंग स्किल्स। तो आई थिंक आज हम इस दिशा में काम नहीं कर रहे होते। सो रियली थैंकफुल दैट अमूल इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैंने मेरा खूबा बना के अवन में डाल दिया है और मैं उसको अब 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए एयर फ्रायर में बेक कर दूंगा। ये है मेरा ट्विस्ट। सो माई ट्विस्ट इज यार लेमन ग्रास कलाकंद ऑन मीठी खूबा। चलिए और देखते हैं हमारे साथ और कौन से शेफ जुड़ना चाहेंगे। शेफ परविंदर, हाउ आर वी डूइंग, हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुंची, तो एक बार आपसे भी देखें। मेरी रेसिपी जो है बहुत अमेजिंग चल रही है, जस्ट लास्ट क्या मिनट बात है, फिनिशिंग पे है। तो अभी एक्सेलेंट।
मैंने इसमें बहुत कम चीनी डाली है और मैं ज्यादा क्वांटिटी बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही पड़ोसियों आस पड़ोसियों को पता चला कि भाई आज कलाकंद बन रहा है तो सबको खाना है, इसलिए मैं ज्यादा बना रहा हूँ। अच्छे से बहुत बढ़िया तो शेफ, बहुत ही आई एम बढ़िया, डूइंग माय बहुत ही ट्विस्ट। बढ़िया। मैं बोलूंगा कि मेरी कला इस कलाकंद में है कि आई एम गोइंग टू ऐड सम हेजलनट पेस्ट। तो जैसे ये बहुत रेडी ही होगा, बढ़िया। हेजलनट पेस्ट है और मेरे पास थोड़े भुने हुए स्लिवर्स हैं हेजलनट के, जिससे मैं इसको अच्छा गार्निश कर दूंगा। अच्छा 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 ये मेरा वर्जन है शेफ कलाकंद का जो रेडी है। दिस इज जस्ट टू हैव योर काइंड आपकी नजर पड़े इस पे, अरे ये आप बहुत देखें। बढ़िया, और मैंने जो है खूबा बनाई है, एज ए ट्विस्ट मैंने जो खूबा है इसको मीठा खूबा किया है विद द अच्छा कैरमल, जो अपना जो मिठाई मेट है अमूल का, उसको मिक्स करके मैंने इसका बेस बनाया है खूबा। एंड देन आई विल बी टॉपिंग इट अप विद द कैनल्स ऑफ हमारे जो कलाकंद है। मैं आगे और घूम के आता हूँ शेफ, फिर वापस से बात करते हैं। ओके सो अभी विमल, आई हमारे एम गेट टू बी जो रेडी, शुड बी लेट और शुड कटोरी एवरीवन टू प्ले टुगेदर? तैयार हो गई है और सभी की तैयार हो गई है, साथ में सेफ्रॉन रेडी है, कचौरी तैयार हो गई तो विमल आई एम है। रेडी नाउ, आई ओके एम गोइंग विद माय प्लेटिंग। सो मेरी सॉस ओके रेडी है, ओके और ये उसको थोड़ा सा कैरमल के रबड़ी भी साथ में ऑलमोस्ट नट्स तैयार मिला के हो दूध से थिक कर दिया था। गई नाउ आई हैव एडेड व्हाइट चॉकलेट टू गिव दैट है। रिचनेस। ओके मेरा ऑलराइट जो बनाना ब्रेड था वो अच्छी तरह से दोनों तरफ से मैंने उसको पैन फ्राई कर लिया, सो आई गॉट अ क्रिस्पनेस, एक अच्छा टेक्सचर आ गया है। बहुत ही बढ़िया, नाउ वी बहुत ही जस्ट बढ़िया। पुट द सो कलाकंद। इन अनदर 5 मिनट्स एक बार मैं सबसे और पूछ लेता हूँ, इफ ठीक है, एवरीवन इज रेडी देन वी कैन स्टार्ट प्लेटिंग इट एंड इन 10 मिनट्स टाइम वील बी ऑल रेडी टू गो। विमल, ओके माइन इज अ वेरी ट्रेडिशनल स्टाइल, माइन ऑलमोस्ट इट्स रेडी एंड आई हैव स्टार्टेड द प्लेटिंग आल्सो। सो ओके आई हैव मेड ओके मैंगो ओके कलाकंद एंड गिविंग द टेस्ट ऑफ पान का हलवा ऑन इट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो आई थिंक एक बार हम सब अपनी अपनी अगर सबकी रेसिपी हो गई हो तो हम सब प्लेटिंग के ऊपर लग जाते हैं, बिकॉज प्लेटिंग विल टेक अनदर 7-8 मिनट्स, बिकॉज अच्छा हमको थ्री फिर मिनट्स बाद में एक सॉरी माइन व्हाट आई एम कुकिंग राइट नाउ कैन नॉट बी प्लेटेड, इट नीड्स 3 आवर्स ऑफ सेटिंग। तो मैंने कल एक छोटा सा बना ओके लिया था, मैं उसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। और ये जो ऑलराइट है, शेफ। बिकॉज ये तो 2-3 घंटे इसको सेट होने में लगते हैं। नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई एम वो प्लेटिंग बने ऑफ व्हाट आई कुक लास्ट नाइट। यस एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट मैम। इम्पोर्टेंट इज टू नो द ट्रिक एंड टू नो हाउ दिस इज मेड टिपिकली, क्योंकि cooking on slow fire, very slow fire, that's it. So you, बिल्कुल I'll have मलाई मलाई निकल रही, एब्सोल्युटली एक्सेलेंट some एक्सेलेंट। चिया को बोलना मैं अंदर से ला दूं। ऑल राइट ऑल राइट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। आई कैन सी शेफ जेटूज प्रेजेंटेशन आल्सो हैपनिंग। One set I have kept the pre-cooked one, and one I have put the freshly made one for the plating. Okay, that's fine. That's fine. Excellent. I'm doing my canals. Chef Saurabh, are you there? Would you like to join and say something? So I'm doing the plating and सोना सोना घी और घी के ऊपर सोना ओके
राजस्थान में आके देसी घी ना खाओ तो मजा ही नहीं आता जी। ठीक है, माई किड्स आर एक्साइटेड मोर देन मी फॉर दिस अमेजिंग कलाकंद। चलिए, सो ये मैं हियर वी अपना आर। कलाकंद सेट कर रहा हूँ। देखा जाए तो 1.5 लीटर दूध से ऑलमोस्ट हमारा आधा किलो कलाकंद निकला है। द यील्ड इज जी ऑलमोस्ट 1/3, दैट इज 33% मे बी। तो ये मेरे फ्रिज में जाएगा जी और बाकी को मैं प्लेट कर रहा हूँ। जी 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 ओके ग्रेट शेफ। शेफ, माय डिश इज सेवरी, सो आई हैव आल्सो मेड दिस फ्रेश सार क्रीम विद द फ्रेश अमूल मिल्क। आई एम आल्सो गोइंग टू स्टार्ट माय प्लेट नाउ। So we were Excellent, excellent. ready. So nice, so nice. I think we are all on the same track and would like to see everyone's plate. Chef, I have done plating of my kulfi, Kalakan kulfi with green chili paste. And I have garnished with some garlic which I made from green chili and sugar. So here is my dish, Kalakan green chili kulfi. बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आई थिंक एवरीवन कैन स्टार्ट प्लेटिंग एंड वी कैन ऑल पुट दोज कलाकंद इन आवर हैंड्स और फिर एक एक क्लोज पिक्चर करते हैं। तो मैं थोड़े क्रश हेजलनट्स डाल रहा हूं अपने कलाकंद के ऊपर जो मैंने पैन फ्राई बहुत किए हैं। बढ़िया, वो लेंगे थोड़ी देर और में। सिंस मैंने इसको रिंग में सेट किया है तो इट डजंट नीड सेटिंग इन द फ्रिज एंड दैट इज माय कलाकंद। और ये मेरी हनी, मैंने सिंपल हनी को ड्रिजल किया है इसके ऊपर सो दैट एक हल्का सा ग्लेज रहे और दिखने में खूबसूरत लगे। और मैं एक लास्ट मिनट इसमें एक ट्विस्ट ऐड कर रहा हूँ। दैट ट्विस्ट इज मगध जो कि अभी ICF के पेज पे लाइव संगीता ने एक मगध की रेसिपी बनाई थी जो राजस्थान की एक फॉरगॉटन रेसिपी है। सो आई विल बी गार्निशिंग इट विद दैट। माइन द फ्रेश वन इज ऑल्सो रेडी। आई हैड यूज द मोल्ड तो वो एकदम सेट हो गया है एंड दिस वॉज डन अर्लियर। I think we are all good to go. So chefs, अगर आपकी रेसिपी इज ऑल रेडी तो एक बार अपनी डिश को। Is it visible? Is my camera visible? यस प्लीज टेल मी। Is it visible? यस यस इट्स विजिबल, इट्स एब्सोल्युटली Okay. विजिबल। एक्सेलेंट, वी विल वंस वी आर आई थिंक एवरीवन कैन होल्ड देयर डिश इन द हैंड एंड देन वी कैन टेक अ ग्रुप पिक्चर। टीम फ्रॉम अमूल कैन डू दैट। पिक्चर लेंगे आशिमा मैं यस शेफ, यस शेफ। तो हेलो शेफ्स, वंस आर वी डन विद द एंटायर स्टफ। यस आपकी आई एम प्लेटिंग आल्सो हो गई डन, सबकी? यस आई एम बहुत आल्सो बढ़िया, डन। बहुत बढ़िया। शेफ सौरभ है क्या हमारे साथ में? हाँ जी, हाँ जी वी मालिक, वुड मैं ही लाइक टू हूँ। हेयर। आप हैं? हाँ मैं यही हूँ। अरे आप
जहाँ आप वहाँ मैं। हाँ तो आपने आज क्या बनाया शेफ, ये तो बता दो मिस्टर एमसी। हमने 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 कलाकंद का बार बनाया है, यू नो बार, सैलेड बार होता है ना वैसे, हमने कलाकंद का बार बनाया आज। ऑफ ऑल द शेफ्स टुगेदर ऐसा? यस ऑल द शेफ्स टुगेदर। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी हैप्पी हैप्पी फेसेस ऑन माय स्क्रीन, वेरी नाइस। बट वी आर नॉट एबल टू सी यू शेफ, आप हो कहां? ये रहा मैं। हमारी जॉब, हमारी जॉब टीचर वाली भी तो है ना। नमस्ते शेफ सौरभ। तो जो नमस्कार नमस्कार, जो एक टीचर होता है ना, जो एक टीचर होता है वो सबको टीच तो करता है और साथ ही साथ बहुत सारी सीखे भी देता है। तो आज आपके मुंह से भी हम कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम सुनना चाहेंगे शेफ। देखो वर्ड्स ऑफ विजडम की बात तो सर ऐसी है कि हम लोग जो आज दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल मिल्क डे, तो हर एक भारतीय के जीवन में तो ये रोज ही मिल्क डे है। मेरे को नहीं याद कि मेरे बचपन से आज तक टिल टुडे, मतलब आई एम 42, 42 सालों में कोई दिन ऐसा गया हो जिस दिन मैंने मिल्क डे सेलिब्रेट नहीं किया हो। सो धीरे से आपने अपनी उम्र बता दी सबको। अरे उम्र तो आपको पहले से पता है। हम शेफ गुप्ता को नहीं भूल सकते। शेफ गुप्ता आप हैं कहाँ? मैं तो इधर हूँ, आप आपकी नजरों में नहीं है बस। ओए भाई आपकी देखना चाहेंगे आप कहाँ तक पहुंचे। व्हाट इज, हम तो पहुंच गए साहब, बहुत पहुंच गए। कहाँ पहुंचे आप शेफ, ये तो बताएं आप। आज गुप्ता इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी जो बेकर्स क्लब बाय शेफ गुप्ता रन करते हैं और इनका एक बहुत बड़ा होम मेकर्स का नेटवर्क है। करीब शायद 25,000 शेफ्स, होम लेडीज, होम शेफ्स हैं आपके ग्रुप में। जी एक्सेलेंट। अपने डिश के बारे में बताइए शेफ प्लीज। ये मैंने बनाया ब्रांडी स्नैप्स और ब्रांडी स्नैप्स का कलाकंद को आगे कोई ब्रांडी स्नैप्स के अंदर भी स्कूप करके आइसक्रीम के जैसे कलाकंद को सर्व कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट शेफ्स, शेफ्स कुछ भी कर सकते हैं। So keep motivating each other and keep learning from each other. I think that's a very good thing, Chef, आपने जो बनाया। Thank you. और ब्रांडी सिरप मैंने, जी ब्रांडी सिरप मैंने बनाया है, बटर, बटर है इसके अंदर। आवाज आ रही है शेफ? अमूल बटर है शेफ? ओके, मैंने बनाया ब्रांडी सिरप, बटर है, शुगर है, लिक्विड ग्लूकोज है और मैदा है, चार चीजों से बनाया है इसको। ओके ओके, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, एक्सेलेंट। और आपने कलाकंद के साथ क्या किया जब? कलाकंद के साथ, कलाकंद बिल्कुल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाया, अमूल के प्रोडक्ट से बनाया है और अमूल के प्रोडक्ट तो इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है कि मतलब कुछ भी बनाओ मजा आ ही जाता है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। और द बेस्ट पार्ट इज दैट आपने उसको स्कूप कर दिया, दैट्स अगेन समथिंग वेरी ब्यूटीफुल टू सी। जी जी, हम सारे शेफ्स एक साथ मिलके let's take the plate or the platter, अपने अपने dishes को एक साथ में ले लेते हैं, screen पे ले लेते हैं, and let's have a group picture, motivating each other, motivating all the home chefs, all the chefs, students and everyone. इस साइड आ रही है, तुम लाइट आ रही है तो। हेलो शेफ। हाय, हेलो, हाउ आर यू? सबकी डिशेस रेडी है, अपने डिशेस को आप प्लेट करके अपने हाथ में ले लीजिए। हेलो शेफ। जी जी बोलिए बोलिए। सर मेरा कैमरा हैंग हो रखा है, आपका मुझे नजर आ रहा है लेकिन मेरा कैमरा नहीं चल रहा है। कोई आप अपनी फोटो खींच के उसको बाद में पोस्ट कर दीजिएगा। आ रहा है, आप बाद में पोस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बट एक चीज आप सबको जरूर करनी है, धन्यवाद लेने से किसी चीज का उम्र और बढ़ जाती है। तो हर चीज को धन्यवाद लेना जरूरी है।
And thanks for this day. Thanks to Amul. Thanks to Royal Rajasthan Chef Society for this amazing initiative and the participation. Let's all toast our plates, toast our dish, and let's have a group picture. और उसके बाद सब अपनी अपनी डिशेस को इंडिविजुअली अमूल के साथ टैग करते हुए, रॉयल राजस्थान के साथ टैग करते हुए अपने डिशेस को बिखेर दें आज के दिन. सब लोग खाएं, खूब एंजॉय करें, मजे करें. आई थिंक क्लोजअप शेफ्स, क्लोजअप. टीम अमूल अभी गुड टू गो. आपके कलाकार के साथ आज का भी सेलिब्रेट करें. Picture is done, chef. Okay. Thanks a lot. Anybody would like to add anything? Chef Bali, Chef Basin, Chef No, Bala. Just want to thank everyone. Each one of you have come up with so much new, like Vimal ne abhi bola, kai cheeze to hum soch bhi nahi sakte, aisa ho sakta tha. So overall, it was great fun. It was a lot of learning for each of us. So thank you, Chef Bali, Chef Gunjan, all senior chefs, home chefs. You guys have done a wonderful job and it's great fun. So let's keep doing, let's celebrating India days, India unique culture, heritage. Let's have some fun. Thank you all. Thank you everyone. Thank you. Especially to the Pakistan Royal Chefs Association. Thank you so much for allowing us and getting this platform. Wonderful. Thank you so much, Chef. Thank you, Chef. Thank you so much, Chef. Thank you, Chef. Thank you so much. Thank you all of you. And wish you all a very happy World Milk Day. Great. Thank you. Great. Thank you. Thanks to everyone. The students also, Chef Bala. Great, aapki recipe. Chef Jignesh. Yes, sir. My camera is now ready for the showing picture. It's better late than never. Sir, please see. Excellent. Bahut sundar. Bahut hi sundar. Excuse me, chef. Yes. Moringa Kalakan. Bahut hi sundar. Bahut hi sundar. Moringa Atrangi Kalakan. Bahut sundar. Ji Palak, bataiye. Chef, I would like to thank all of you for this amazing opportunity. It was great cooking live with all renowned chefs. Thank you. Maza aaya kya? Definitely, sir. It was so good. Very good. Very good. Keep motivating. Keep spreading love and happiness everywhere. Beautiful, beautiful, beautiful. Gulab Kalakan Lake Palace ke saamne. Hamare chef Jethu ne bana diya. Excellent. Very nice. Take a picture and tag. Thank you, chef. Thank you. God bless you. Excellent. Well done. Good job. Thank you very much, chef. Thank you, chef. Hamare chef Cheetahgarh ke chef kahan gaye? Thank you, chef. Excellent. Excellent. Thank you, RRCS. Hamara bhi ready hai aur bilkul. पेशे खिदमत पेश कराएं. क्या बात है हमारी चीता. बहुत सुंदर शेफ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग. थैंक यू. आपकी कला है, ये आपकी कला है. मजा आया, बहुत मजा. थैंक यू सो मच. सो गुड. एक्सेलेंट. ब्यूटीफुल. ये आपने मावा कचौरी का एक नया ट्विस्ट दे दिया. मावा कचौरी विद रबड़ी और सेफ्रॉन रबड़ी. एक्सेलेंट. Beautiful. So nice. Excellent. Excellent. Thank you. Chef Gaurav, आपकी डिश. Chef, मेरी डिश बन चुकी है और अभी फ्रिज में कुल्फी बना रहा था ना सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अभी गया है फ्रिज के अंदर. कोई बात नहीं, आपके चश्मे के साथ हम एक फोटो क्लिक कर लेते हैं. हमारी यादों के लिए. तो मैं ये सोच रहा था कि एक बार इसको जब
थोड़ा जम जाए, उसके बाद इसको निकाल के और जी फोटो पोस्ट जी कर जी दूंगा मैं। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच शेफ, और आरआरसीएस के साथ टैग करिएगा, अमूल के साथ टैग करिएगा, बहुत मजा आया आपके साथ मिलके। बिल्कुल शेफ, आपके मणिपाल साथ में तो भी आया ही थैंक था यू। आज, बहुत ज्यादा मजा आया। शेफ कुलदीप, आपके प्लेट के साथ में एक रिक्वेस्ट पिक्चर क्लिक कराइएगा। टू ऑल, सिर्फ टैग मत करिएगा, आरआरसीएस के साथ कोलैबोरेट करिएगा। थैंक यू। कोलैबोरेट करिए, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। शेफ शेफ बसीन, आपकी प्लेट के साथ पिक्चर मेरे साथ नहीं आई। कुलदीप, कैन यू प्लीज शो योर प्लेट? हेलो यस कुलदीप, आप अपनी डिश के साथ में एक पिक्चर मैं लेना चाहूंगा। आप जी अपनी जी डिश को जस्ट हाथ में लीजिए ना। अ मिनट आप हाँ टूवर्ड्स, हाँ प्लीज प्लीज, हाँ थोड़ा सा मेरे सामने आइए। हाँ यस सर एक्सेलेंट एक्सेलेंट, सो नाइस सो नाइस, सो वेरी गुड, थैंक यू कुलदीप। थैंक यू सर बाय। थैंक यू। शेफ बाली के प्लेट के साथ पिक्चर नहीं हो पाई, इज शेफ बाली देयर? शेफ पुष्पेंद्र बाला, आपके साथ, आपकी प्लेट के साथ पिक्चर लेना चाहेंगे? जी शेफ बाला, ये यस हुई ना बात। ओ यस, मारो मक्खन रोश कलाकंद। ग्रेट, थैंक यू शेफ, थैंक यू। और कौन है जो हमारे साथ एक पिक्चर लेना चाहेंगे? शेफ वसीम, थैंक यू अभिषेक जी एंड टीम अमूल फॉर दिस अमेजिंग थिंग। थैंक्स अ लॉट, वी आर साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू शेफ्स। ये ले भाई थैंक यू तुम्हारे। शेफ बसी। हाँ हो गई आपकी अरे डिश एक बारी। ओ हो, क्या बात है, ओ माय गॉड। ओ शेफ आपकी पिक्चर गायब हो गई, एक सेकंड वापस से। शेफ बसीन को प्लीज क्लोजअप में लीजिए ना। ये बात, ओ हो घूमती भी प्लेट। शेफ ये प्लेट कहाँ से थी ये भी बता दो प्लीज। यार पता नहीं यार, पुरानी है, प्लेट क्या वालों ने पे नहीं किया मेरे को बोलने के लिए। चलो थैंक मैंने यू। कहा शेफ की थैंक यू थैंक यू। शेफ की खजाने से चीजें निकल के आई जाती हैं। ऐसे ही दिनों पे निकलती है, वरना तो पता नहीं कब कहाँ पड़ी रहती है। थैंक्स चलो थैंक्स भाई, चलो थैंक यू, सी यू गाइस, थैंक यू ऑल, बाय थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बाय, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू मैन। बाय।